तो जनाब क्या क्या मिलेगा आपके खाने के लिए? हमारे यहाँ जो है चिकन कबाब है, मटन कबाब है, बीफ कबाब है, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और मटन कौरमा, चिकन कौरमा, रोस्टेड है, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, बर्रा, खीर, कोल्ड ड्रिंक, पानी का बोतल, बन कबाब मिलेंगे, बर्गर, रोल, सिरमाल, रुमाली रोटी। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं मौलवीगंज में करीम कबाबी। टुंडे कबाबी के बाद अगर लखनऊ में किसी के कबाब मशहूर हैं तो वो करीम के कबाब मशहूर हैं। लोग दीवाने हैं इनके कबाब और पराठे के। लेकर चलते हैं आपको इनकी शॉप पर और पूछते हैं क्या खासियत है इनके कबाब और पराठों की। हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर कुरैशी साहब, जो करीम कबाबी का बार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कबाबों और पराठे के बारे में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐसी क्या खासियत है आपके कबाब पराठों में जो लखनऊ के लोग दीवाने हैं? खासियत क्या है कि ये बस अल्लाह का करम है। हाँ, हम लोग बस कोशिश करते हैं, बाकी इज्जत देने वाला और जायका देने वाला अल्लाह है। बस हमारी जो कोशिश है वो है कि मतलब जो खाने में सबसे बुनियादी चीज़ें हैं, साफ़ सफाई का इहतमाम रखना, फिर जो मसाले उसमें डाले जा रहे हैं वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के डाले जाना। देखिए बाज़ारों में हर चीज़ मिल रही है क्वालिटी के अतबार से, तो कुछ अच्छी क्वालिटी की होती हैं, कुछ वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे प्राइस देंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। मिसाल तौर पर इलायची है, इलायची अच्छे रेट में मिलती है और सस्ती भी मिलती है, तो उससे उसको मसाले तो वो हम लोग अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं। तो आपका पराठे के क्या प्राइस है? पराठे की प्राइस हमारे 15 रुपये पर पीस है। कबाब की प्लेट? कबाब की प्लेट 60 रुपये पर पीस है। तो कबाब और पराठों के अलावा और क्या क्या मिल रहा है आपके यहाँ? हमारे वहाँ कबाब और पराठों के अलावा जो है बारबेक्यू में सारे आइटम है, रोस्टेड है, चिकन बर्रा है, चिकन अफगानी है, चिकन मलाई टिक्का है, और उसके बाद कौरमे में हमें मटन चिकन कौरमा मिल जाता है, और कबाब में हमारे जो है मटन का गलावटी कबाब है, चिकन गलावटी कबाब है, बफेलो के गलावटी कबाब हैं, बोटी कबाब हैं, बोटी कबाब भी हमारे काफ़ी फेमस हैं यहाँ के। तो चलिए चलते हैं इनके किचन के अंदर और देखते हैं किस तरह से इनके कबाब तैयार किए जाते हैं, खीमा किस तरह से तैयार किया जाता है कबाबों का। चलिए लेके चलिए, आइए चलिए। भाई साहब क्या मिला रहे हैं इसमें कबाबों में आप? ये भाई ये बेसन है ये। अच्छा जी। तो भाई ऐसा क्या प्यार मोहब्बत मिलाती है जो लोग दीवाने करीम के कबाब और पराठों के? भाई मिलाते तो वही सब हैं जो मतलब आम तौर पर रेसिपी है। अच्छा जी। बस इसमें जो हमारा मेन मसाला है कबाबों का जी, ये हमारा मतलब जो है दादा के वक्त का बनाया हुआ मसाला है। अच्छा जी। तो उसी में हमारी जो मसाला बनता है तकरीबन 60-70 मिल के मसाले मिला के एक मसाला तैयार होता है। अच्छा जी। हाँ, उसी की खुशबू होती है, उसी की बरकत है। अच्छा, जो आपके कबाब आप ही बनाते हैं, बाकी लोग भी बनाते हैं, तो करीम के कबाबों की क्या स्पेशलिटी है जो सबसे हट के बनाते हैं इसको? स्पेशलिटी हमारे वहाँ ये है कि आम तौर से आपने देखा होगा लखनऊ में गलावटी टिक्के का कबाब देते हैं, और हम लोग जो है इसको पूरा एक साथ फ्राई करते तवे के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो तांबे का तवा होता है और कोयले के ऊपर जो भुना जाता है उसकी वजह से मतलब इसमें ये स्पेशलिटी आती है। और इसकी जो हम लोग एक साथ बनाते हैं टिक्किया हमारे वहाँ जो बनती है वो सिर्फ मटन और चिकन कबाब में जो डील होती है उसमें टिक्किया बनती है। अगर रेसिपी की बात करेंगे तो कितनी पुरानी ये रेसिपी होगी आपकी? रेसिपी हमारी तकरीबन जो है 116 साल से ज़्यादा हो गए पुरानी है। अच्छा। क्योंकि 1908 में हमारे दादा हाजी अब्दुल करीम साहब ने इस्लाम को स्टार्ट करा था। अच्छा। 1908 में, तो तकरीबन हाँ यही लखनऊ से, और बल्कि इसी जगह से जहाँ आप खड़े हैं इसी जगह से स्टार्ट करा था। ठीक है, तो तब से लेके कितने 3 पीढ़ी होगी मेरे ख्याल से? जी हम लोग 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन जी। तो चलिए आपने अभी इसमें बेसन मिला दिया है जी, अब क्या मिलाएंगे? इसके बाद हम इसकी मिर्चें मिलाते हैं। क्या मिला रहे? ये मिर्च है, लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च। अच्छा, क्या ब्रांचें हैं आपकी पूरे इंडिया में तकरीबन? हमारे पूरे अभी ब्रांचें तो हमारी 2 हैं, एक हमारी ये ब्रांच है, एक सेकंड ब्रांच हमारी बिलोचपुर में। अच्छा, बिलोचपुर में जी। तो इसका क्या तरीका क्या होता है जो आप बना रहे हैं, इसका तरीके की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने मसाले मिला दिए? नहीं, अभी मसाला नहीं डाला, अभी तो हमने बेसन डाली, मिर्च डाली है, अभी हम गलावट डालेंगे। ये गलावट? हाँ। इसके अंदर होता क्या है वैसे? ये पपीता होता है। ये इसको जो है मतलब जो है गलाने में काम करती है। अच्छा। हाँ, इस तरह से गोश्त जो मीट जो है गलता पर सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा। लगभग कितनी देर इसको मिला के रखना पड़ता है? मिला के इसको अगर ये कम से कम आधा घंटा रखेंगे तो इसमें जो भी इसके फ्लेवर्स हैं वो इसमें जल्द हो जाते हैं। अच्छा। बाकी इमरजेंसी में आप जो है तुरंत भी आप वो कर सकते हैं। ये हमारे हैं बोटी कबाब। ये भी हमारे वहाँ की है बहुत,
ये हमारे वहाँ की सेकेंड डिश है बोटी कबाब कबाब की। अभी ये भी लोग पसंद करते हैं ये भाई, वो फेमस है ये, तो बस इधर बनती है उधर जो है ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बहुत से जो हमारे शौकीन कस्टमर हैं जो पसंद करते हैं तो वो फोन करके आते हैं कि मतलब बोटी कबाब अवेलेबल है कि नहीं है। इसको भी हम लोग सर्व करते हैं। ये हमारी एक प्लेट होती है, ये एक प्लेट 60 रुपए की होती है। 60 रुपए जी। और अगर आप इस बोटी कबाब के शौकीन हैं तो फिर आप चले जाइए लखनऊ करीम कबाबी मौलवीगंज। बस इसको जो है लोग जो है बन के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बन होता है इसके साथ खाते हैं, बाकी पराठे के साथ भी लोग पसंद करते हैं इसको, और ज़्यादा मज़ा इसका बन के साथ आता है। ये बन है, ये बन भी हम लोग का अपना अपना बनता है। अच्छा खुद बनाते हैं? हाँ। ये इसमें कबाब रखे गए, ये इसमें प्याज लगा दी गई, तो कहते इसको पलट के फिर ये आपका बर्गर तैयार हो गया। कीमा बर्गर? हाँ ये कबाब बर्गर है, ये हमारे वहाँ का ये बहुत सबसे स्पेशल आइटम है जी, ये कबाब बर्गर है। इसको कस्टमर इसी नाम से हमारी दुकान फेमस है, बन कबाब के नाम से लखनऊ के अंदर। अगर आप भी बन कबाब के शौकीन हैं तो आप जो हमारे पास ज़रूर आइए, एक बार खिदमत का मौका दिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये हमारा जो बन कबाब है, ये बन कबाब यही हमारा फेमस है बर्गर, और ऐसा बन कबाब आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। कुछ लोग जायका ले रहे हैं करीम के कबाब और पराठों का, आइए से बात करें। क्या है? तो कब से आ रहे हैं यहाँ पर? आज तो फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है तो कैसे कबाब पराठे लगे आपको? कबाब बोटी बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी, बोटी कबाब खा रहे हैं आप जी, जी। और आपको कैसे लगे कबाब पराठे? बहुत अच्छे। तो दोबारा आए? पहली बार? काफ़ी दफ बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं? बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ का हमें बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, आप बताएँ। मैं बढ़िया है, आप एक नंबर लगा। तो भाई हमारी टेबल सज चुकी है, ये है बोटी के कबाब, और ये है मशहूर करीम के गलावटी कबाब, और ये रहा हमारा चिकन रोस्टेड, और ये चिकन बिरयानी। लेकिन सबसे पहले हम खाएंगे इनका बहुत ही फेमस फन कबाब, जो इनके अब बहुत फेमस है। इसके अंदर ये बोटी कबाब लगाते हैं, गलावटी कबाब भी लगाते हैं, अगर ऑर्डर लोग देते तो गलावटी कबाब लगा देते हैं। ये बोटी कबाब खाने में बहुत मज़ा आता है। आप ऑर्डर देंगे तो बोटी वाले कबाब भी लगेंगे और गलावटी कबाब भी लगेंगे इसके अंदर। ये रहा इनका मुगलाई पराठा, तो हम खाएंगे इस गलावटी कबाब के साथ। भाई लखनऊ की सरजमी पर अगर आप गलावटी कबाब नहीं खा रहे हैं तो कबाबों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो जब तक जायका ले रहे हैं हम इस लाजवाब खाने का, आप इंजॉय करिए हमारी इस वीडियो का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप गलावटी कबाब खाने के शौकीन हैं, आप हिंदुस्तान के बाहर से या इंडिया के किसी भी कोने से आप हमें देख रहे हैं और लखनऊ आएँ तो करीम कबाबी के यहाँ ज़रूर आएँ। और दुआओं में अपने भाई को याद रखिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।